हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो लोगों का मेजर डाउट होता है, नीट 2022 की अपन काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिसके लिए आपको नीट 2022 के लिए काउंसलिंग करवानी चाहिए, कहाँ पर काउंसलिंग करवानी चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में करवानी चाहिए, स्टेट में करवानी चाहिए, दोनों करवानी चाहिए, कहाँ काउंसलिंग करवानी चाहिए, कितने मार्क्स पे आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए और कौन सा काउंसलिंग में लक फैक्टर होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं आपको एक कहानी की फॉर्म में चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ, आपको पता लग जाएगा आपको काउंसलिंग करवानी है नहीं करवानी है, ठीक है। 585 से लेके 590, 595, 600, 605, 610, 615, ठीक है, किस राउंड में कॉलेज मिल सकता है, काउंसलिंग करवानी है नहीं करवानी, सारी चीज़ें इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आपको चीज़ें क्लियरली समझ आ पाए, ठीक है। कुछ बच्चों के मार्क्स है 585, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, काउंसलिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अब तो क्या ही न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, मैं तो आपको पिछले लगातार 2-2.5 महीने से नीट के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 25,000 तक संभावना रहेगी, ऑल इंडिया रैंक 25,000 तक आपको संभावना रहेगी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट कहीं ना कहीं मिल जाए ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। तो आपके जरूरी नहीं है 25,000 के थोड़ा सा पीछे रैंक है 26 से 27 है तो आप काउंसलिंग ना करवाएं। देखो, आप काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें कुछ फीस लगती है जो कि ज़्यादातर हिस्सा उसका रिफंडेबल होता है, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको अपनी फीस वापस मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, वो फीस 1-2 हज़ार रुपये आपकी अगर ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में काउंसलिंग करा लेते हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं आपको पर्टिकुलर मार्क्स बताने वाला हूँ हर कैटेगरी वाइज, कितने मार्क्स पर आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। अब 585 बच्चे, कुछ बच्चों के मार्क्स हैं वो काउंसलिंग नहीं कराने की सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे मैं बोल रहा हूँ ये गलत डिसीजन है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके मार्क्स हैं 590 595, तो आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाना पड़ेगा। कितने मार्क्स पे स्ट्रे वैकेंसी और मॉपअप तक जाना पड़ेगा, तो आप देख लो 610 612 नंबर से ऊपर आपके हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके 600 से ऊपर मार्क्स है तो आपको शायद सेकेंड राउंड तक संभावना रहेगी पक्का, तो नहीं बोल सकते, 1-2 नंबर का डिफरेंस पड़ सकता है, 601 पे मिल जाए, 602 पे मिल जाए, 599 चले जाए, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 600 के आसपास आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद के जो बच्चे बचते हैं 590 से लेके 600 तक के बच्चे, उन बच्चों को लास्ट राउंड मॉपअप राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उन लोगों को कॉलेज के स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक वेट करना पड़ेगा। अभी मैं बता देता हूँ जिन बच्चों के मार्क्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 565 से ऊपर है उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 50% सीट आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की गवर्नमेंट फीस पे, अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अगर बहुत कम चांस है, अभी के हिसाब से मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़े कम चांस है कि वो स्टूडेंट्स के फेवर में आए, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी डिले हो चुकी हैं। बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट कोटा की काउंसलिंग के भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का भी पूरा शेड्यूल आ चुका है, तो बहुत मुश्किल है। फिर भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, अगर ऐसा होता है तो आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आपके लिए सही होगा, लास्ट राउंड तक आपके पास मौका होगा कि आपको कहीं ना कहीं सीट, अगर ये एनएमसी बिल अप्लाई हो जाता है इस साल से, जिसकी संभावना है मैं खुद कह रहा हूँ अभी थोड़ा कम हो गई है क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा लेट हो गई हैं, तो अगर ऐसा होता है तो आपका संभावना बनती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए आपके 565 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, ज़्यादा फीस तो लगती नहीं है, ज़्यादातर फीस आपकी रिफंडेबल होती है, 10,000 या 5,000 आपकी कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करता है, वो आपकी रिफंडेबल होती है। तो आपकी 565 से ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाओ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो, एससी के हो तो 450 से ऊपर कैंडिडेट अगर मार्क्स है तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, एसटी में 420 से ऊपर, ऑल इंडिया कोटा की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेट कोटा की बात करेंगे और कैसे लक फैक्टर आ जाता है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता देता हूँ, आप 2022 के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85% दोनों की काउंसलिंग आपको मिलेगी इसमें। ये जो काउंसलिंग प्रोग्राम है, आपको बेस्ट चांस आपके कहाँ बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। लास्ट राउंड तक आपको व्हाट्सएप पर असिस्टेंस दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, ऑल इंडिया में बॉन्ड पॉलिसी क्या है हर स्टेट में वो बताया जाएगा, जिससे आप कॉलेज डिसाइड कर पाओ, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से दिलवाने की कोशिश करी जाएगी। इंपॉर्टेंट पीडीएफ पिछले सालों की बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से बना के आपको दी जाएगी, जिससे कि आपको अंदाजा लग पाए अपने स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ्स का।
फीस इसकी 1500 रुपये है दोनों ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों को मिला के, ठीक है। इस पर्सनलाइज काउंसलिंग की सबसे इंडिया में सबसे आप ये मान सकते हो सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग है इसमें, जिसमें स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों कंबाइंड है, ठीक है। कैसे आपको ज्वाइन करनी होगी, ये नंबर है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर है, इस पर आप फ़ोनपे पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं, उसके बाद स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं सेम व्हाट्सअप नंबर पर, फिर आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओगे एक तरीके से। इसके बाद में देखो आपकी प्रायोरिटी भी होती है, कुछ बच्चों के मार्क्स ऑल इंडिया कोटा में कम है, 550 है, 540 है, 500 से भी कम है, तो आपको मैं बता देता हूँ 15% ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ एमबीबीएस की काउंसलिंग नहीं होती, गवर्नमेंट एमबीबीएस के अलावा भी आपकी बीडीएस बीएससी, ठीक है, इन सब की काउंसलिंग भी होती है। तो अगर बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपके मार्क्स थोड़े से कम है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन जरूर से करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके मार्क्स के ऊपर और आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ लोग चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराना, तो कम मार्क्स के बाद भी डेफिनेटली उनको रजिस्ट्रेशन करना ही है। लक फैक्टर कैसे काम में आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2020 में कुछ बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको सेकंड राउंड तो कॉलेज नहीं मिल पाया था, ठीक है। सेकंड राउंड की कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की कट ऑफ 2021 में 2020 में जो गई थी वो गई थी 611 नंबर, 611 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिला था। पर जो कई सारे बच्चे थे जो 609 नंबर वाले 608 नंबर वाले, उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो वो बच्चे बहुत डिप्रेस हो रखे थे कि एक दो नंबर से हमको कॉलेज नहीं मिल पाया, तो उन बच्चों को आपको जो ऑफलाइन काउंसलिंग थी उनमें वो उनमें से कई सारे बच्चे गए, उनमें से फिर कई सारे बच्चों को अच्छी सीटें मिली, एम्स भोपाल और एम्स ऋषिकेश जैसी सीटें मिली जो 680 नंबर पे खत्म हो गई थी। अब ये काउंसलिंग का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जो आपका लास्ट का राउंड होते हैं मॉपअप राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस की सीट भी आ जाती है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप मॉपअप राउंड का वेट करो, वो आपका पर्सनल डिसीजन है क्योंकि उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। वो उन बच्चों के पास तो कुछ खोने के लिए नहीं था, नथिंग टू लूज था, तो इन बच्चों ने गए ये ऑफलाइन काउंसलिंग में और इनको अच्छी सीटें मिल गई। तो ये फायदा होता है जब आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, तो ये काउंसलिंग थोड़ा सा लंबी प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें आपको 2 महीने 2.5 महीने तक भी पेशेंसली आपको कॉलेज का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम है तो 595 मार्क्स हैं तो लास्ट राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको देखो स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, उसको ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होगा, स्टेट का सेकंड राउंड होगा, उनमें भी आपको ना मिले शायद कॉलेज अगर आप हाई कट ऑफ स्टेट से हो, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट में काउंसलिंग कराएं या फिर किसी एक जगह कराएं। तो देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ की स्टेट की कट ऑफ बहुत कम है, जैसे 550-560 पे उनके अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि उनको अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा, तो वो सोच सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग ना करवाएं, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में भी मैंने बताया 565 से ऊपर आपके मार्क्स हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस ही चाहते हो तो आप करवाओ काउंसलिंग, अगर इससे कम मार्क्स हैं आपके तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराने का। पर आप अपने स्टेट में, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है। कुछ स्टेट्स की कट ऑफ कंपेरेटिवली कम जाती है, कुछ स्टेट की कंपेरेटिवली ज़्यादा जाती है, जैसे आपका मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड जैसे स्टेट हुए, इनकी आपकी कट ऑफ कंपेरेटिवली कम जाती है। और जैसे हाई कट ऑफ स्टेट कौन से हुए, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली हुआ, केरला हुआ, इनकी कट ऑफ आपकी काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो ऐसे केसेस में आप ज़्यादा चांस आपके बनते हैं ऑल इंडिया कोटा से। हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स के बच्चों को तो दोनों जगह रजिस्ट्रेशन कराने, ऑल इंडिया कोटा में भी कराने, स्टेट में भी कराने। और जिनके थोड़े से कट ऑफ कम जाते हैं, जिन स्टेट्स के उनके थोड़े से 565 से भी कम मार्क्स हैं, तो उनको ऑल इंडिया कोटा से चांसेस वैसे ही बहुत कम है, तो वो सिर्फ अपना स्टेट का सोच सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, किस मार्क्स तक आपको काउंसलिंग करानी है, कब तक आप वेट कर सकते हो, कहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा। देखो लंबा प्रोसीजर है, फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, सेकेंड में नहीं मिलेगा, तो मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी तक फाइनल राउंड तक आपको वेट करना है, ठीक है। जिन बच्चों के बॉर्डर लाइन पर मार्क्स हैं 591-592 तक मार्क्स हैं, वो बच्चे पढ़ाई भी पैरेलल करना शुरू कर दें, ठीक है। आप बच्चों को, क्योंकि फिर लास्ट में टाइम नहीं बचता, 2 से 2.5 महीने इसी में चले जाएगा तो फिर आपके पास लिमिटेड टाइम बचेगा, इसलिए आप पढ़ाई करना भी शुरू कर दें पैरेलली और काउंसलिंग का वेट करते रहें, ठीक है। काउंसलिंग तो लंबा प्रोसीजर है, अपने आप चीज़ें चलती रहेंगी, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, किन बच्चों को काउंसलिंग करानी है नहीं करानी, वो सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल पर मैं आपको यूट्यूब लाइव के जरिए या फिर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूँ। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।
टेलीग्राम का, और टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हो, अगर लिंक से ओपन नहीं होता तो नीट इन्फो आप सर्च करोगे, सेम जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहती है। इसके अलावा अगर पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बाय।